हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज़ है हिंदी में भी, और आज हम इस वीडियो के हेल्प से सीखेंगे कि कैसे इस फ्रेज़ को, इस वाक्य को हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अनेक वीडियोस इंग्लिश सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुंचे। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इट डजंट मैटर। सो इट जो है वो हम एज अ आइडिया की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक थिंग के लिए इट लगाते हैं। डजंट यानी कि डज प्लस नॉट, उसको हम शॉर्टिफाई कर देते हैं, हम डजंट उसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया तो नहीं यानी कि नॉट। मैटर वेदर यानी कि फ़र्क, जिस फर्क की हम बात कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं उसे हम मैटर बोलेंगे एंड वेदर। सो देखते हैं आगे इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे। इसको आगे हम कुछ ऐसे कंबाइन करेंगे कि ये जो हमारा फ्रेज है इट डजेंट मैटर वेदर प्लस आगे हम जो भी सेंटेंस लगाना चाहते हैं, ये जो वेदर है वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, यानी कि सॉरी प्रीपोजिशन का नहीं, कंजंक्शन का काम करेगा, जो कि इस फ्रेज को आगे के सेंटेंस के साथ जोड़ने का और मीनिंगफुल करने का, मीनिंग पूरा करने का काम करने वाला है। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम रो या हंसो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब। सो तुम रो या हंसो एक आत्मनिर्भर यानी कि डिपेंडेंट सेंटेंस है, तुम मरो या जियो अगेन एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तुम आओ या नहीं इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एंड तुम अमीर हो या गरीब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बट हम कैसे इसके साथ में इसको ऐड करके इसका मीनिंग और भी एनहांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर वेदर तुम आओ या नहीं, यू कम और नॉट। आओ को इंग्लिश में हम कहते हैं कम, यानी कि और नहीं यानी कि नॉट। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट। सेकेंड में देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम रो या हंसो, अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता यानी कि इट डजेंट मैटर वेदर तुम यानी कि यू रो यानी कि क्राई, यानी कि और हंसो यानी कि लाफ। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू क्राई और लाफ। अगेन तीसरा वाक्य, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यानी कि इट डजेंट मैटर वेदर तुम यानी कि यू मरो यानी कि डाई, यानी कि और जियो यानी कि लीव। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू डाई और लीव। लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं, आओ यानी कि कम, नहीं यानी कि नॉट। सो ये हमारा वाक्य होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो या गरीब, अमीर यानी कि रिच, गरीब यानी कि पुअर। सो इट डजेंट मैटर वेदर तुम यू रिच और पुअर। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर, और इट डजेंट मैटर वेदर यू रिच और पुअर, दैट इज अवर सेंटेंस विच वी विल फ्रेम। सो नेक्स्ट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि इट डजेंट मैटर वेदर तुम जीतो या हारो। अब तुम का आप सबको पता है, जीतो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या के लिए आपको भी पता है कि और का यूज़ करना है, और हारो। सो इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे एंड कैसे आप लिखेंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैंने आपको हिंट तो ऑलमोस्ट दे दिया है फ्रेंड्स,
ऐसे ही अनेक इंग्लिश सीखने के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़.